लिख दो कि हाँ आवाज़ आ रही है, तो फिर मैं आगे बातें करूँ। आवाज आ रही है? हाय, ओके, आवाज आ रही है। सो कैसे हो, क्या हाल चाल है? हाँ, अब आ रही है आवाज़। ओके, फिर सही है। तो कितने दिन की आप बोल रहे थे कि लाइव आओ लाइव आओ, सो मैंने आज मूड बना लिया फाइनली कि मैं लाइव आऊँ, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको मैं आऊँगी लाइव, इसलिए आ गई। तो बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ, और पहले मैं स्टार्ट करूँगी बहुत इम्पोर्टेंट बात। जब मैं बिग बॉस में थी ना, मुझे सारे सबके पास बहुत कपड़े होते थे, बहुत कपड़े होते थे, और मेरे कपड़े नहीं आते थे बिग बॉस में। और मैं हमेशा चलाती थी कि बिग बॉस प्लीज कपड़े भेज दो, मेरे पास कपड़े नहीं है, ये वो। और अब मैं देखती हूँ, फिर बाद में मैं मुझसे शादी करूँगी, मैं गई मुझसे शादी करोगी, मैं जब मैं गई मैंने अपने सारे जो कपड़े थे एंड ऑल वो मम्मी के हाथ भेज दिए थे वापस। तो फिर उसके बाद ना मुझसे शादी करोगे, मैं जब मैं बाहर आई तो करोना हो गया, राइट? तो जब करोना हुआ ना, तो मेरे पास तब कपड़े ही नहीं थे बिल्कुल भी डालने के लिए। और आप सोच नहीं सकते, मतलब मेरे को इतने के ज़्यादा गिफ्ट आ चुके हैं ना, इतने के ज़्यादा, मतलब अभी भी जो मैंने डाला हुआ है ना, A to Z गिफ्टेड हूँ मैं, ठीक है? पहली तो मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, दूसरी मैं फैन गिफ्टेड हूँ। मतलब मुझे इतने के ज़्यादा गिफ्ट आ चुके हैं कि अब कोई मुंबई की लड़की होगी या कैसे भी, अगर उसके पास कपड़े नहीं ना होंगे तो वो मेरे पास आके ले सकती है कि सना आप हमसे मैं बोल सकती हूँ कि आप मेरे से कपड़े ले, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मतलब इतने कपड़े हो गए हैं, मेरे फैंस ने इतने कपड़े भेज दिए हैं। इयररिंग्स, पर्स, ब्रेसलेट्स, सूट, क्या क्या होता है, ड्रेसेस, वॉट एवर जो भी है, वो सारा कुछ गिफ्टेड है मुझे। ओके, A to Z गिफ्टेड। एंड अब मेरे पास इतने के ज़्यादा गिफ्ट हो गया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरे को कुछ मत भेजना, क्योंकि मेरे पास बहुत ढेर सारा है, बहुत ढेर सारा, अब कुछ मत भेजना प्लीज़। तो ये बात करनी थी मैंने, ये इम्पोर्टेंट बात थी, थैंक यू सो मच। और मेरे मेरे फैंस जो है ना मेरे साथ बहुत, हाँ एक चीज़ और बताती हूँ, जब मैं वहाँ थी ना, क्या कहते हैं, पहले पहले की बात कर रही हूँ, कि जब मैं पहले हमेशा ये सोचती थी कि मुझे, मैं ना हमेशा सबको गिफ्ट देती थी और मुझे गिफ्ट नहीं आता था कोई भी, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं आता था, ना बर्थडे पे ना कैसे भी, कभी नहीं। तो जब फिर उसके बाद, एक मिनट, तो गिफ्ट नहीं आता था, तो अब तो मैं कहती थी मुझे गिफ्ट रिसीव करना पसंद नहीं है, ये वो, क्योंकि मेरा मन उठ गया था, क्योंकि मुझे जो चीज़ मिलती नहीं मैं क्यों उस चीज़ के लिए वो करूँ, है ना? तो अब इतने को ज़्यादा गिफ्ट हो गया, मतलब टाइम टाइम की बात है। मेरे जो फैंस है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, और वो मुझे दिखता है और मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड ये मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे फैंस जैसे कोई फैंस ही नहीं हो सकते। और कल को, मतलब ऐसा है कि मैं कोई गलती करूँ कुछ हो ना, वो ये नहीं कि मुझे छोड़ के किसी और के पास भाग जाएंगे, ऐसे है कि वो समझाने आ जाएंगे बट मुझे छोड़ेंगे नहीं, मतलब ये फील कराते हैं वो। आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितना ज़्यादा प्यार मिलता है घर बैठी, कोई ये नहीं, मतलब मेरे ये लेटर्स, ये वो, इतना ज़्यादा इमोशनली चीज़ें होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये चीज़ थी पहली बात, तो यही करनी थी मैंने। ओके, टॉपिक्स रखे हुए मैंने आज। दूसरा, हाँ दूसरा टॉपिक मेरा ये है, हाँ ये बात बोलनी थी कि अब मुझे गिफ्ट सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास बहुत कुछ है अभी, मतलब यू नो एवरीथिंग, अब भेजने की ज़रूरत नहीं है।
अब पैसे मत स्पेंड करना, क्योंकि अगर नहीं होता तो बंदा कहता हाँ नहीं है भाई, अब मेरे पास सच में ए टू जेड चीज़ें हैं। नाम लो कौन सी चीज़ का नाम, मैं आपको बता दूंगी, मेरे पास होगी वो पक्का। ओके देन अब मैं क्या बोलूँ, हाँ ट्विटर पर ट्रेंड देखा, हाँ यार मज़ा आ गया। मैं ट्रेंड देख रही थी और मतलब यू नो थैंक यू क्या बोलूँ, क्योंकि आप तो अब मेरे लिए वो नॉर्मल हो गया है। आप मेरे को इतना ट्रेंड कर देते हो, इतनी बार कर चुके हो कि मेरे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई है कि ओह माय गॉड मैं ट्रेंड कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अब आपने मेरे लिए इतना नॉर्मल कर दिया है ट्विटर पे ट्रेंड करना, तो मेरे लिए अब वो चीज़ मायने नहीं रखती। बिकॉज मुझे पता है कि हाँ सना कर सकती है ट्रेंड, क्योंकि उस पता है कि तुम कर देते हो, सो ये भी प्राउड मोमेंट होती है। ओके परफ्यूम, हाँ है मेरे पास बहुत सारे है। बेबू आई लव यू टू। ओके पूछो क्या पूछना है। और शहनाज मेरी जान, कमली बातें और क्या बातें करूं मैं, ऐसी ही बातें होती है। सना मैंने भेजने थे न्यूजीलैंड जाके, हाय रब्बा अब मेरे को कुछ मत भेजना, मेरे पास सच्ची बहुत कुछ है ए टू जेड। कभी भी मैं कोई ड्रेस डालूंगी, कभी भी कुछ डालूंगी ना, ए टू जेड वो गिफ्टेड ही होगा। गिफ्टेड गिफ्टेड टैग दे दो मुझे, गिफ्टेड चीजें, गॉड गिफ्टेड, फैन गिफ्टेड। बिग फैन फ्रॉम काजाकिस्तान, काजाकिस्तान पता नहीं एक तो पाकिस्तान होता है, एक काजाकिस्तान पता नहीं, ये मुझे इस जगह का नाम नहीं पता कौन सी जगह है। आपका न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बोलो, आएंगे बहुत आएंगे, वेट करो, करने दो सबको काम, करने दो धीरे धीरे प्यार से, मतलब रिलैक्स गाइस, कुछ अच्छा करेंगे ना, उसके लिए सब्र करना चाहिए, खुद अच्छी चीज़ें आएगी। अगर इतना प्यार मिल रहा है तो फिर अच्छी चीज़ें तो मेरे पास आएगी, उसमें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ख़त्म करी बात। हाय सना, हाय कैसे हूँ, आपका भाई पागल है। ओके वो तो है पागल थोड़ा सा। मैम आपका खुदा का सॉन्ग कब अच्छा खुद का सॉन्ग कब आ रहा है, गॉड नोज कभी भी। जंप सूट्स है आपके पास, ले बहुत है, ये कौन सी बात कर दी आपने। ओके मुझसे बात करो, मैं सबसे बात करी, आप मेरे को पूछो कुछ मैं उसका जवाब देती हूँ। बीबी 14 का प्रोमो देखा, नहीं अभी तो नहीं देखा, आ गया क्या है, अच्छी बात है, अब हम भी देखेंगे बिग बॉस। बताओ ना सना आपके पास सिद्ध है भाई, मेरे पास नहीं है सिद्ध, मेरे पास नहीं है सिद्ध भाई को भी ऐड करो ना, करो ना। ओके प्लीज़ बताओ ना आप लॉकडाउन में इतने पतले कैसे हुए। ओ बस सोचा कि होना चाहिए पतले, के इंडिया की शनाज गिल हूँ ना तो पतले होना बनता था, इसलिए पतली हो गए, क्योंकि आपने प्यार ही इतना दिया मुझे कि मुझे मेहनत करनी पड़ गई, ऐसे होता है ना। जर्नी देखी है आपकी बिग बॉस वाली, हाँ बहुत बार देखी मैंने जर्नी अपनी। बिग बॉस 13 का नाम जब भी आएगा शहनाज का नाम उसके साथ जरूर लिया जाएगा, वो तो ना मतलब वो जब वो लाइन बोली थी ना बिग बॉस ने, क्या बोलूँ मतलब ख़त्म, वहाँ बात ख़त्म हो गई थी। आपका फेवरेट फूड, फूड मुझे सब फेवरेट है, सब चलता है मुझे, फूड ऐसा कुछ नहीं होता कि फूड मुझे अच्छा नहीं लगता, सब बस स्पाइसी होना चाहिए सब अच्छा लगता है। शहनाज आप ट्विटर पे लाइव, ट्विटर पे लाइव, जिम में जाते थे क्या,
नहीं जिम कहाँ, नोज बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू। दिस इज ट्रू सना एंड बीबी तेरा। हेलो सना, प्लीज शेयर सम वेट लूज टिप्स। कुछ नहीं मतलब, ओके लूज टिप तो यही है, जब कोई पूछे खाना खाना है, जब ऐसे कर दिया ना तो खुद पे खुद पतले हो जाओगे। मोहाली कदों आना? मोहाली हले तक कोई प्लान नहीं, वाहेगुरु करे भी मैं मोहाली आवा ही ना। मैनू बॉम्बे इन्ना काम मिले कि मैनू मोहाली आने की लोड़ ही ना पवे। ओके लव यू सना, इन्ना क्यूट यार। ओके थैंक यू। बिकॉज ऑफ यू आई वॉच्ड बिग बॉस। थैंक यू। अच्छा आपको मैंने बता दिया था कि मैं लाइव आ रही हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले ही डाला है, तो अब सेटिस्फाइड हो ना, अब मैं लाइव आ गई तो अब मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। पाकिस्तान आओगी? आऊँगी जब मेरी किस्मत मुझे लेकर आएगी। बेबी सुन ले यार, सुन ले। क्या रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, बताओ क्या रिप्लाई करूँ आपको, पूछो। आई लव यू, बस बिग बॉस 14 जाओगे मेरे को भी रिपीट। निकल गया आगे। यू आर वेरी क्यूट एंड योर ओके, आपके आईब्रोज यार एक्चुअली यू नो नेचुरल ब्यूटी। डीएम का रिप्लाई सच्ची बताऊं तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चाहती मैं एक को रिप्लाई करूं और बाकी सारे नाराज हो जाए। सो मैं इसलिए ज्यादा देखती सबके हूँ, रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैं एक का रिप्लाई करूंगी तो फिर वो हो जाएगा क्या बोलते उसको, पार्शलिटी, वो नहीं करनी। एक को नहीं तो सबको नहीं, सबको नहीं तो फिर सबको ऐसा। हाय क्रश, प्लीज टेक माय नेम सुमित। ओके लव फ्रॉम बांग्लादेश सना। थैंक यू सना, लाइव यूट्यूब में डाल देना। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने, बट मुझे सेव नहीं करना आता। हेलो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माय नेम सना। हाय सना, सना यू आर सो लवली। ओके जल्दी 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 बोलो फिर मैं जा रही हूँ, बाय। और कुछ पूछना है किसी ने? लव यू शनाज, लव यू टू। सिद्ध कहाँ है? सिद्ध अपने घर पे होगा, मुझे क्या पता कहाँ है। लव फ्रॉम नेपाल, लव फ्रॉम शहनाज। प्लीज से माई नेम अर्पिता शर्मा। लव यू सना बाबू, तू बहुत क्यूट लगती है। लव फ्रॉम श्रीलंका। ओके तो थैंक यू। कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा काला 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 को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आगे मैं भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए, मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करूँ और आप सबको खुश रखूँ, बस यही है। और कोई गलती होती है तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि मैं वो इम्प्रूव कर सकूँ। और क्या बोलूँ, बस यही बोलना है। चलो फिर ठीक है, बाय, टेक केयर। एंड बोल ही देती हूँ, थैंक यू, ट्रेंड करते हो आप मुझे, बड़ा मज़ा आता है। मैं पढ़ती हूँ हर एक ट्वीट पढ़ती हूँ, हर एक चीज़ पढ़ती हूँ जो जो जब मैं ट्रेंड करती हूँ, यू नो तारीफें ये। हाँ सच, अटेंशन कहते ना, अटेंशन 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 सबको चाहिए होती है, ये नहीं मेरे को अकेले को चाहिए, सबको चाहिए। अगर मैं अकेले को अटेंशन चाहिए ना तो चलो ठीक है, सब इंस्टाग्राम पे फोटो मत डाला करो, कुछ मत डाला करो,
तो अटेंशन नहीं मिलेगी। तो जिसको अटेंशन नहीं चाहिए वो ये चीज़ें बंद कर दो, मुझे वही अटेंशन चाहिए, सो आप मुझे अटेंशन दो, मुझे अच्छा लगता है। सो एवरीबडी एवरीबडी इस दुनिया में सारे अटेंशन सीकर होते हैं, ठीक है। सो कोई एक्सप्रेसिव होते हैं, कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलते, बट होते सारे ही है, ठीक है। सो एक और बात, भगवान करे आप सारे खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, आप मेरे साथ बना के रखो, मैं आपके साथ बना के रखो। आई विल लव दोज हु विल लव मी, आई विल नॉट लव दोज हु विल नॉट लव मी। ओके बाय, टेक केयर, टेक केयर, गुड नाइट। ओ सॉरी, गुड नाइट नहीं, बाय बाय। मेरा एक बार नाम ले दो, प्रिंस यावद, हाय, लव यू बेबी, लव यू टू। जहाँ मुझे तो आपकी अटेंशन चाहिए, सो स्वीट, थैंक यू। ऐसे प्यार करते रहो, एंड नेल पेंट, ऐसे प्यार करते रहो, बाय।